अस्सलाम वालेकुम, रेड बॉक्स की जानिब से आपकी होस्ट बीना हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आप आज के वीडियो में हम आपको इंडस एनक्लेव के हवाले से एक बहुत ही अहम खबर देने जा रहे हैं। आपने इंडस एनक्लेव जो एक कम रिहायशी मनसूबा नूरियाबाद में बनने जा रहा है, इसके हवाले से आपने हमारी गुज़श्ता बहुत सारी वीडियोस देखी थी। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर 28 फरवरी जो लास्ट डेट रख दी गई है बुकिंग की, 28 फरवरी के बाद से यहाँ पर मज़ीद बुकिंग्स नहीं होंगी। तो ये चंद दिन आपके पास बाकी हैं जिनमें आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इसके क्या वजूहात हैं? तो इसके रीजंस ये हैं कि जिस तरह से ये जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इंतहाई कम कीमत में, जहाँ पर 12 लाख में आपको यहाँ पर अपना प्लॉट भी नहीं मिलता, यहाँ पर आपको अपना घर बना के दिया जा रहा है। गेटेड कम्युनिटी बनने जा रही है यहाँ पर, जहाँ पे आपकी तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। अपना स्कूल, पार्क, मस्जिद, आपका कमर्शियल, आपका रेजिडेंशियल विद इन बाउंड्री, एक प्रॉपर एक सोसाइटी बनने जा रही है नूरियाबाद में। तो यहाँ पर जो शायद एक आम आदमी ने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया, एक तो ये कि इसका पेमेंट प्लान बहुत ही जो है वो आसान इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। महाना सिर्फ 9,000 की इंस्टॉलमेंट है और यहाँ पे टोटल प्राइस है 12 लाख। तो 12 से 15 लाख में अपना बना बनाया घर, कौन ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करना चाहेगा? तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो यहाँ पर जल्द अज जल्द बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मॉडल विला एक बिल्कुल तैयार हो चुका है, दूसरा भी अपने लास्ट स्टेज पर है। उसके अलावा यहाँ पर मेन जिना एवेन्यू का काम भी कम्प्लीट हो चुका है। तो जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, जिस तरह का यहाँ पे पेमेंट प्लान है इनका, साथ ही साथ आपको घर की इंश्योरेंस भी आपको दी जा रही है बिल्डर की जानिब से। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत ही जल्दी से रिस्पांस करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से रिस्पांस आया। यहाँ पर सिर्फ कराची के लोग ही नहीं, हैदराबाद के लोग ही नहीं, नूरियाबाद के लोग ही नहीं, बल्कि जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से भी एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, जिसकी वजह से यहाँ के जो बिल्डर हैं अशरफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उन्होंने ये बात अब इस चीज़ का ऐलान किया है कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए बहुत जल्द यहाँ पर स्पेसिफिकली उनके लिए एक ब्लॉक जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए होगा। इसके अलावा हमारे जो यंग जनरेशन है उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी सरमायाकारी करके रियल इस्टेट की फील्ड में जो है अपनी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें वो महाना सिर्फ 9,000 की इंस्टॉलमेंट पर अपने यहाँ पर घर की बुकिंग करवाई है। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हो गई हैं, जिसकी वजह से अब 200 गज़ का विला यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अभी 80 और 120 के कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज मिलेंगी और 400 में भी कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं। 200 की इन्वेंट्रीज मज़ीद आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। अब बात यह आती है कि कराची शहर में रहने वाले लोग और नूरियाबाद में जाके उनकी शिफ्टिंग। तो नाज़रीन देखिए, कराची में अब यहाँ पे 1 करोड़ की आबादी नहीं रही, आबादी यहाँ पे 3 करोड़ तक जा पहुँची है। और जिस तरह से लोग यहाँ पे रेंट पर रह रहे हैं और आगे मज़ीद वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर कि वो अपना घर खरीद सकें, यहाँ पर अपनी जो है वो रेंटल यहाँ से इससे इनका निजात पाकर एक अपने ज़ाती घर में रहें। तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बुकिंग करवाई है कराची के शहरियों ने। अब जैसे कि पूरा शहर कराची जो है वो मेन सुपर हाईवे पे वो एक्सपेंड होता चला जा रहा है, इसी वजह से मलीर एक्सप्रेसवे की बुनियाद रखी गई है। मलीर एक्सप्रेसवे का काम भी ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ पे हैदराबाद से लोग कराची ट्रैवल करते हैं और बीच में यहाँ पर इस तरह की कोई सोसाइटी नहीं थी जो जिस तरह से इतनी जल्दी से काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। मेन सुपर हाईवे पे और भी यहाँ पे डिफरेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट वर्क बहुत ही तेज़ी से चल रहा। तो यहाँ पे आप इसका फ्यूचर खुद ही देख सकते हैं कि ये ऐसे भी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से एक बहुत ही फेमस जगह है। तो यहाँ पे आप इसका फ्यूचर आपके सामने है, आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी घर की बुकिंग करवा सकते हैं। पोजेशन इसकी आपको 2 साल में हैंडओवर कर दी जाएगी। 7 साल का इंतहाई आसान इंस्टॉलमेंट प्लान है। 80, 120 और यहाँ पे 400 गज की जो विला की इन्वेंट्रीज यहाँ पे फिलवक्त मौजूद हैं, लिमिटेड इन्वेंट्रीज हैं। देर मत कीजिए, यहाँ पर अपनी बुकिंग करवाइए और इस सुनहरी मौके को अवेल कीजिए। तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट को इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।